8 इंडोनेशिया धर्मगुरु मिलने से मचा हड़कंप। बिजनौर के नगीना जामुनवाला मस्जिद में 21 मार्च को इंडोनेशिया से आए 8 धर्मगुरु मस्जिद में मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मस्जिद के मौलवी और कार्य सहित 5 लोगों के खिलाफ धारा 268, 269, 270, 188 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी 8 धर्म प्रचार को मेडिकल जांच के बाद होम क्वारंटाइन किया गया। पुलिस के अनुसार ये सभी धर्म प्रचारक हैं, दिल्ली की तबलीगी जमात में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद यह बांग्लादेश उड़ीसा गए और वहां से 21 मार्च को नगीना जमात में भाग लेने आए थे। तभी से यही मस्जिद में रुके हुए थे। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मस्जिद के अंदर इंडोनेशिया से आए हैं, उनके ये थाना नगीना की अंतर्गत जानकारी हुई थी, कल शाम में जानकारी हुई थी कि कुछ जो है विदेशी जो लोग हैं जो कि थाना नगीना की जामुन वाली मस्जिद रुके हुए हैं। जानकारी तुरंत एलआई और पुलिस से सक्रिय किया गया, वहां से जानकारी दी गई तो ये पता लगा है कि जो दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसी में कई विदेशी थे, जिसमें कि ये भी 8 व्यक्ति थे जो कि दिल्ली में रुके हैं। और ये लोग पहले बांग्लादेश आए, बांग्लादेश के बाद दिल्ली, यहां से बाद उड़ीसा होते हुए 21 तारीख को यहां पर आ गए थे। नगीना में जामुन वाली मस्जिद में रुके रहे, तबलीगी जमात के लोग हैं, इंडोनेशिया के रहने वाले हैं, इनके साथ एक ट्रांसलेटर है जो कि इनकी लैंग्वेज कन्वर्ट कर रहा है। जानकारी पर इन लोगों द्वारा ऐसे महामारी के समय में धारा 144 में लगी, इनके द्वारा सूचना नहीं दी गई, इस कारण वो उनके मुफ्ती, मौलवी और मस्जिद के 3 सदस्य और ट्रांसलेटर के खिलाफ जो है एकेडमिक एक्ट की धारा 3 और 268, 269, 270 IPC और 188 IPC के तहत मुकदमे पंजीकृत किया गया है। जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें होम क्वारंटाइन करा दिया गया, उनका मेडिकल करा दिया गया है। बाकी डिटेल मेडिकल के लिए आज और टीम भी जा रही, मस्जिद को सैनिटाइज किया जा रहा है, इन्हें होम क्वारंटाइन करा दिया गया, 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे।